निरंजन, अलख निरंजन। हे नागी बाबा, प्रणाम। क्या बात है माई, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हारे जीवन में क्या दुख है माई, हमें स्पष्ट बताओ। हे नागे बाबा, कोई एक दुख हो तो मैं आपके सामने बताऊं। भगवान ने मेरे भाग्य में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं लिखा बाबा, कुछ नहीं। पहले तो भरी जवानी में मेरे पति की मृत्यु हो गई, और जब मैं स्वयं कोहलू चलाकर सरसों का तेल निकालने लगी तो मेरे दोनों बैल मर गए। और अब इस अभागन सुमो तेलन के घर में पिछले एक महीने से चूल्हा नहीं जला है गुरुदेव। मैं किसी तरह बियाबान जंगल से आर्मी चुक कर अपना गुजर बसर करती थी, सब तो वो भी मिलने बंद हो गए हैं बाबा। हे सुमो माई, धैर्य रखो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ये गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखो बेटी। हे महाराज, भरोसा रखते रखते तो मेरा इतना जीवन बीत गया, लेकिन जब किसी भी प्रकार से इन दुखों का अंत नहीं होता तो परमात्मा से विश्वास उठने लगता है। देखिए बाबा, भगवान की बसाई इस सृष्टि में कितनी विषमता है। कोई तो हीरे जवाहरात वह सोने चांदी के महल में सो रहा है, और किसी के पास टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है। दो वक्त की रोटी भी जिसकी किस्मत में नहीं, भला वो कब तक परमात्मा पर विश्वास रखे। तुम्हारा कहना उचित है माता, लेकिन हर अंधेरी काली रात के बाद सूर्य उदय होता है, और सूर्य की किरणें उस काले घने अंधेरे को चीर देती हैं। हे नागे बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो इस संसार में हर उस आने वाले पल के बारे में बता सकते हैं जिसमें किसी इंसान का भाग्य संवरता या बिगड़ता है। बाबा, इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है, तो बताएं बाबा, क्या मेरे जीवन में इन दुखों के अलावा भी कुछ लिखा है, बताएं बाबा। निर्धनता मेरी
आप बाबा निर्धनता मेरी, करो उद्धार मेरा शरण में तेरी, शरण में तेरी। ओ फिर वो गरीबी संग बद नसीबी, उजड़ गया है सिंदूर जी, मेरे संकट करो सब दूर।
हे सुमोमाई, तुम और दुखी ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। परंतु कैसे बाबा, कैसे? मेरी तो सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं। मुझे इस दुखी जीवन से मुक्ति दो बाबा। मैं और जीना नहीं चाहती, नहीं चाहती मैं और जीना। नहीं माई, ऐसा नहीं कहते। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, समय हमेशा एक समान नहीं रहता। हम तुम्हारे आने वाले उस कल को देख रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अतः हे सुमो माई, तुम ऐसा करो, आज तुम आरने चुगने के लिए इस मरुथल नगरी के बाहर बियाबान ढाके में जाओ। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। जो आज्ञा बाबा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नागे बाबा कह रहे थे आरने चुगने जाना। आरने चुगने से भी कभी भाग्य उदय होता है। सबल सिंह, इस माई ने तो भाई हरि सिंह की खोपड़ी टोकरे में रख ली, कहीं ये इसे अपने साथ ना ले जाए। सुमो माई, भाई हरि सिंह को ही यार ना समझ कर ले जा रही है। इसे रोको भैया, इसे रोको। हे सुमो माई, रुको रुको माई, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये कैसी आवाज आ रही है? यहाँ तो आसपास कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी व्यर्थ का वहम हो जाता है। हे माई, रुको, ये तुम्हारा वहम नहीं है, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। ये तो फिर से आवाज आई। हाँ,
हो न हो यहाँ अवश्य भूत प्रेत की छाया है, मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। हे माई, घबराओ मत और पीछे मुड़कर ध्यान से देखो, हम बावरी तुम्हें पुकार रहे हैं। हाँ, ये क्या, ये तो कटे हुए खोपड़ी बोल रही है। हे सुमो माई, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो तुम्हारा साथ देंगे। हे सुमो माई, आपने हमारे बड़े भाई हरि सिंह बावरी की खोपड़ी आरना समझकर अपनी टोकरी में डाल ली है। हम पांचों भाई एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, कृपया हमारे भाई को वापिस जमीन पर उतारो माई। क्या, अरे सचमुच ये कैसे हो गया, मैंने ये खोपड़ी कैसे अपनी टोकरी में डाली। हे सुमो माई, तुमने मेरी खोपड़ी स्वयं अपने हाथों से टोकरी में डाली है, पर तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा कोई बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पहले ही अपने जीवन में बहुत दुखी हो। ये सब आप लोगों को कैसे मालूम कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। हे बाबा, आप लोग कौन हैं और आपकी ये धड़ी यानी शेष शरीर कहाँ है, कृपया अपना परिचय दे और मेरे बारे में आप क्या जानते हैं। हे माई, तुम एक बहुत ही गरीब तेलन हो, तुम्हारे पति की मृत्यु भी हो चुकी है और तुम कोल्लू से सरसों का तेल निकालकर अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन अब तुम्हारे बैल भी मर चुके हैं। सचमुच ये सब तो सत्य है, लगता है ये अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है। हे बाबा, कृपया हमें अपना परिचय दें। हे सुमो, हम तुम्हें अपना परिचय यहाँ नहीं देंगे, पहले तुम्हें हम पांचों भाइयों को अपने घर ले जाना होगा, हम उसके बाद ही अपना परिचय देंगे। शायद नागे बाबा सत्य कह रहे थे कि आज तुम्हारा भाग्य उदय होगा, शायद ये पांचों भाई मेरी फूटी किस्मत को जगा दें। लेकिन बाबा, मैं आप पांचों भाइयों को एक साथ कैसे ले जा सकती हूँ, मुझसे तो एक खोपड़ी का वजन भी बहुत मुश्किल से सहन हुआ था। हे सुमो माई, तुम चिंता ना करो, हम पांचों भाई आपकी टोकरी में इस तरह समा जाएंगे कि आपको वजन का आभास भी नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस तरह इनको घर ले जाना उचित होगा, कहीं ये मेरे लिए और समस्या न खड़ी कर दे। हे सुमो माई, किस सोच में पड़ गई, डर मत, हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। हाँ माता, अब और अधिक विलंब ना करो और हमें भी भाई हरि सिंह के साथ टोकरी में रखकर अपने घर ले चलो, हम तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देंगे। हे सुम्बो माई, तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो, और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ, तुम हमें साथ ले जाकर कुछ हासिल अवश्य कर सकती हो। शायद आपका कहना उचित है बाबा, मुझ अभागन के पास खोने के लिए क्या है। ठीक है बाबा, आप मेरी टोकरी में आ जाओ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। We'll be right back.
हे बाबा, यही इस गरीब का घर है। बाबा, अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हे सुमो माई, हमारे लिए गंगा जल का छीटा लगा वह साफ वस्त्र बिछाकर एक स्थान बनाओ। उस स्थान पर पूरी तरह शुद्धता होनी चाहिए। वह तुम प्रतिदिन स्नान कर हमें चंदन का टिक्का लगाना, फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे उदय होता है। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। Thank you.
गुजारा है, बस मेरा गुजारा है, पूरा मेरे दिल का ये, पूरा मेरे दिल का ये अरमान करो जी। इस गरीब पुजारन तेलन का कुछ मान करो जी। करती हूँ तुम्हारी पूजा, करती हूँ तुम्हारी पूजा, कल्याण करो जी। इस गरीब पुजारन तेलन का कुछ मान करो जी। करती हूँ तुम्हारी पूजा, करती हूँ तुम्हारी पूजा। हे सुमो माई, हम पांचों भाई तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। अब तुम्हारा भाग्य संवरने का समय आ गया है। हे बाबा, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। कृपया हमें अपना परिचय दे बाबा, और आप इस अवस्था में क्यों हैं? हे सुमो माई, तो सुनो, हम तुम्हें अपना वेद तभी बताएंगे जब तुम इस राज को राज रखोगी। अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बता दिया तो हम उसी समय तुम्हारा साथ छोड़कर सदा सदा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तुम पहले हमें इस बात का वचन दो कि तुम ये भेद किसी के सामने नहीं बताओगी। हे बाबा, मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि इस भेद को किसी के आगे नहीं बताऊंगी, चाहे फिर मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। हे सुमो माई, तो ध्यान से सुनो, हम पांच बावरी भाई हैं। मेरा नाम केसरमल बावरी है, ये मेरे बड़े भाई हरि सिंह बावरी, ये सबल सिंह बावरी, और ये मेरे छोटे भाई जीतमल व नथमल बावरी है। लेकिन बाबा, आप इस हालत में? हे सुमो माई, हम खरकड़ी नगरी के राजा थे और हमारा काफी समय तक मुगलों के साथ युद्ध चला, और अंत में हमने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी बहनों, माँ व बाद में अपने शीश स्वयं उतार लिए। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी आप जीवित हैं और आपके तो धड़े भी नहीं है। हे माई, ये सब गोगा जी महाराज की कृपा से है। उन्हीं की कृपा व आशीर्वाद से हमें पुनः जीवन प्राप्त हुआ है, ताकि हम इस संसार में दुखियों के दुख दूर कर सकें। और हाँ माई, अब तुम्हारे भी दुखों का अंत होने वाला है। भाई सबल सिंह, अपनी शक्ति से सुमो तेलन के दुखों को दूर करो। जो आज्ञा बड़े भैया। ये क्या बाबा, ये सोना हीरे मोती इतना धन? हाँ सुमो माई, ये सब तुम्हारा है क्या? हाँ, तुम हमसे इसी प्रकार प्रतिदिन एक थाल हीरे मोतियों का लेती रहो, और आज से ठीक 7 दिन बाद हम तुम्हारे इस खंडर पड़े घर को एक सुंदर महल में परिवर्तित कर देंगे। क्या? परंतु बाबा? परंतु क्या सुमो माई, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की बजाय आश्चर्य व चिंता क्यों? हे बाबा, जिस सुमो तेरन के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, उसके पास इतना माल खजाना व महल होगा, तो ये समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तथा लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे। अतः हे महाराज, मुझे ये धन इस प्रकार नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा तथा किसी माध्यम के द्वारा चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार का संदेह ना हो। भाई सबल सिंह, सुमो तेलन का कहना उचित है। इस प्रकार धन देने से ये समाज इस पर तरह तरह के प्रश्न करेगा, और जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर इस माई के पास नहीं होगा। और हाँ भैया, इससे हमारा भेद भी तो खुल सकता है। तुम्हारा कहना सत्य है भाई जीतमल, तो ठीक है सुमो तेलन, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। सुमो तेलन,
सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी अब कौन सी समस्या है। हे बाबा सबल सिंह, फिलहाल तो मेरे पास इतना आटा भी नहीं है कि मैं अपना और आपका भोजन बना सकूं। भैया सबल सिंह, सबसे पहले हमें सुमो माई की यही समस्या हल करनी चाहिए। हे सुमो माई, तुम्हारे घर में कितना आटा बचा है? हे बाबा हरि सिंह, मेरे घर तो मात्र एक चुटकी आटा शेष है। तो तुम ऐसा करो, उस आटे को किसी बड़े बर्तन में डालकर ले आओ। जो आज्ञा बाबा। बाबा, मैं इस एक चुटकी आटे को इस मटके में डालकर ले आई। भैया केसरमल। जो आ गया बड़े भैया। अरे ये क्या, ये तो पूरा मटका ही आटे का भर गया। इससे तो मैं कई दिन का भोजन बना सकूंगी। अब तो मुझे आरनी चुगने भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी जय हो बाबा, तुम्हारी जय हो। हे सुमो माई, तुम बहुत ही भोली हो। पांच पांच बावरी जिसके घर में उपस्थित हो, उसे भला आरने चुगने की क्या आवश्यकता है। हाँ सुमो माई, अब तुम अपने बंद पड़े कोलू को भी दोबारा चालू करो और ये बताओ कि तुम्हारे घर में कितनी सरसों बची है। हे बाबा नतमल, जब से दोनों बैल मरे हैं तब से एक दाना भी सरसों का नहीं है, क्योंकि बैलों के मरने के बाद से कोहलू काफी समय से बंद पड़ा है और मेरे पास इतना धन नहीं कि दोबारा बैल खरीद सकूं, कोहलू फिर से चालू कर सकूं। हे सुमो माई, अब तुम्हें बैल खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। बस तुम ऐसा करो, एक सवा शेर सरसों ले आओ। हे बाबा हरि सिंह, मेरे पास सवा शेर सरसों के पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के दुकानदार सरसों नहीं देगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत उधार ले चुकी हूँ। हे माई, तुम अपने दोनों हाथ आगे करो। ये लो बाबा। अरे ये क्या, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। हे माई, तुम ऐसा करो, इन स्वर्ण मुद्राओं से दुकानदार से सवा शेर सरसों ले आओ तथा जो उधार तुम्हारी बाकी है उसे भी चुका देना और अपने लिए नए वस्त्र आदि जो भी खरीदना चाहो उसे ले आओ। जो आज्ञा बाबा, मैं अभी जाती हूँ और सारी उधार चुकता कर सवा शेर सरसों लेकर आती हूँ। और प्रणाम बाबा। भाई सबल सिंह, ऐसा तो नहीं है कि हमने सुमो तेलन पर बहुत जल्दी अपनी कृपा कर दी? हाँ भैया, हमें पहले सुमो माई की भक्ति को परखना चाहिए, उसके बाद ही उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। आपका कहना उचित है भैया, हमें सुमो की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि उसका हमारे प्रति कितना प्रेम है। क्यों भैया हरि सिंह, आपकी क्या राय है? जैसी तुम्हारी इच्छा सबल सिंह, मैं भी यही चाहता हूं।
हे बुढ़िया, इतनी खुश होकर कहाँ जा रही है? जो तुम्हें हमारा भी ध्यान नहीं। क्षमा करना भाई, मैं जरा जल्दी में थी। है भाई, हम तुमसे यहाँ राखी बंधवाने नहीं आए हैं। और ये पीछे कैसे पा रही हो? ला मुझे दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। ये रंगा। जी सरदार। लगता है रे, इस बुढ़िया का अंत समय आ गया है। तभी तो ये ससुरी हमारे मांगने पर भी ये पोटली हमें नहीं दे रही। जरा देखन तो रे, ऐसा क्या है इसमें? सरदार, मुझे तो लगी है कि इसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ, नहीं नहीं है? नहीं ना। हाँ बोल बुढ़िया, हाँ बोल। और ये चुपचाप हमें सौंप दे, वरना हमारी बंदूक ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहती। चल पड़ती है अपने आप ये ससुरी। नहीं नहीं, छोड़ दे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। यस ससुरी। हे बावरियो, ये मेरे साथ क्या अनहोनी हो गई। मेरे तो भाग्य में सिवाय दुखों के कुछ है ही नहीं। अब मैं कैसे सवा सेर सरसों खरीदूंगी, कैसे दुकानदार के उधार चुकाऊंगी। मेरा तो सारा धन ही लुट गया। मुझे वापस चलकर ये बातें बावरियों को बतानी चाहिए, लेकिन लेकिन वो क्या मेरा विश्वास करेंगे? नहीं नहीं, मैं दुकानदार के पास जाती हूँ, शायद वो सवा सिर सर से उधार दे दे। हाँ यही ठीक रहेगा। दुकानदार भाई, दुकानदार भाई। हाँ के बात छे सुमोतेले ने किशा मुझे लटकारी है? हाँ तुम्हें चाहिए था? चाहिए तो क्या था दुकानदार भाई, एक सवा सिर सरसों चाहिए थी, और मैं आपकी सारी उधार चुका दूंगी। उधार चुका देगी? कितने कितने चुका देगी उधार? खान ना तो दो वक्त की रोटी कोनी, उधार चुका दूंगी। चल चल। मेरे विश्वास करो दुकानदार भाई, मैं अब भी आपके पैसे लेकर आई थी, लेकिन रास्ते में सारा धन डाकुओं ने छीन लिया। डाकू? डाकू तेरे लूट के के लेंगे? लूटने तेरे पास के था शम्मो? लूटना था तो मन्ना। राम 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 राम। दुकानदार भाई, सिर्फ अब की बार मुझे सवा सेर सरसों दे दो, मैं पैसे होते ही आपकी सारी अब की और पिछली उधार चुकता कर दूंगी। सवा सेर सरसों? और वो अभी उधार में? हाँ। ना जी ना, मर जावांगे। अच्छी बात करी, मैं तो था ना पिछली बार उधार दे के पछताया। आगे देवांगा, आगे जाऊंगा। नु बोल बोल के तो सुमो तने मारी सारी दुकान खाली कर दी, बालक तन्ना खांगा।
मेरे विश्वास करो दुकानदार भाई, ये सवा शेर सरसों ले जानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। सवा शेर न तो छोड़ सम्मो, तो न तो एक दाना भी कोनी दूं, मने पागल समझा है दुनिया, हाँ? अब तू सरसों का करे भी किएगी, तेरा कोल्लू तो बंद पड़ा है। ओ उस सरसों से बावरी फिर से बावरी? कैसे है बावरी? कुछ नहीं दुकानदार भाई, कुछ नहीं। उधार दे दो, उधार दे दो इसना, मना तो पागल समझा सा दुनिया। राम राम राम। हे बाबा समल सिंह, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा? मुझे कौन से अपराध की सजा दे रहे हो बाबा? बताओ बाबा कहाँ चले गए? मुझे बागन से क्या कोई भूल हो गई बाबा? अगर आपको इस तरह जाना ही था तो फिर क्यों आए थे? क्यों आए थे बाबा, बताओ ना, जवाब दो।